कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जिम्मेदार, संवेदनशील एवं प्रदर्शी शासन देने का वादा किया। कांग्रेस का घोषणा पत्र 75 बिंदुओं पर आधारित है। नाम दाखिले के साथ ही पत्रकार वार्ता, नेताओं के आने जाने का दौर भी प्रारंभ हो गया है। हम आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र के जारी होने के अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में। मैं आपको दावा और वादा करके बताता हूँ कि कांग्रेस को बहुत दिनों से आप लोग चुनाव लड़ते हैं, देखे होंगे। इस बार जो चुनाव विधानसभा का हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में भी आप लोग लिखते रहे, प्रदेश नेतृत्व भी बिखरा हुआ था, आज बिखराव नहीं है, एकता दिख रही है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस अपने सामूहिक रूप से पूरे ताकत से लड़ेगी। आप त्योथर के किसी कांग्रेसी से बात करिएगा, अगर उसकी एक वोट की अहमियत यहाँ होगी या उसके कहने से एक वोट प्रभावित होगा, वह निश्चित रूप से करेगा। सारा कांग्रेसी एकजुटता से इस लड़ाई को हम चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और पूरी चुनौती के साथ इसको हम लड़ेंगे। उसके बाद एक बात और कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने, होता ही है उम्मीदवार चयन में प्रतिस्पर्धा होती है, सभी दलों में होता है, हमारे यहाँ भी हुआ है, और जो चयन हुआ है हम समझते हैं सारे दृष्टिकोण से सोच समझ के सोशल इंजीनियरिंग के तहत पिछड़ों को सम्मान, महिलाओं को 33% महिलाओं को हमारे संभाग में मिला 15 में 5, तो सब कुछ सोच के दिया है, सही उम्मीदवार का चयन हुआ है, हमारे नेताओं ने बहुत अच्छा चयन किया है। और कांग्रेस में इस बात का डिस्प्यूट अगर आपको नजर आ रहा है थोड़ा, तो थोड़ा 2-3 दिन का और जो टाइम है देख लीजिए, वो सलट जाएगा और अंततोगत्वा उसके बाद जो कांग्रेस के मुख्य धारा में होंगे, चाहे जितने महत्वपूर्ण लोग वो रहेंगे, और अगर इससे अलग जाएंगे तो कांग्रेस में नहीं होंगे।